धौलपुर जिले के पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल में 65वीं राष्ट्रीय स्कूली आष्टे डो अखाड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अभिनेत्री सारा खान, SGFI के सहायक सचिव कन्हैया गुर्जर, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी करिश्मा यादव, कनिका सिंह कछावा, पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, सोनाली दत्त शर्मा रहे। सभी अतिथियों ने प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उमादत्त पब्लिक स्कूल के चेयरमैन एवं आयोजन सचिव उपेंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि सभी प्रतिभागी खेल भावना से खेलें। मैं राजस्थान की पावन धरा पर आपका स्वागत करता हूं, साथ ही SGFI का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक बार फिर इस प्रतियोगिता का आयोजन हमें दिया। धौलपुर पहुंची अभिनेत्री सारा खान ने कहा कि छात्र छात्राओं के स्वस्थ रहने के लिए खेलों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे चंबल का यह क्षेत्र बहुत ही रोचक लगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी करिश्मा यादव ने कहा कि खेलों का जीवन में विशेष महत्व है। आप लोग बेहतर खेलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं, उसे ध्यान में रखकर अपने खेल का प्रदर्शन करें। जिला कलेक्टर एवं अन्य अतिथियों ने राष्ट्रीय ध्वज प्रतियोगिता स्कूल सहित 5 ध्वज फहराकर गुब्बारे छोड़े और कबूतर उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ को हरी झंडी दी। कार्यक्रम में उमादत्त पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक दिखाते हुए उनके नृत्य को प्रस्तुत करते हुए रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्राचार्य डॉक्टर पंकज वशिष्ठ ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर जिले के शहरों और कस्बों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली के त्यौहार को देखते हुए मिष्ठान की दुकानों, प्रतिष्ठानों, दुग्ध डेयरी पर टीम गठित कर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा दुकानों और प्रतिष्ठानों से मिठाइयों, मावा एवं घी के सैंपल लिए जा रहे हैं। दोषी मिलावटखोरों के खिलाफ विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्व बंधु गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार मिलावटखोरों की रोकथाम के लिए दीपावली के त्यौहार को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए अभियान में मिलावटखोर, मिठाई विक्रेता, डेयरी संचालक, मावा विक्रेता एवं घी विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाकर घी, दूध एवं मिठाइयों के नमूने लिए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिले के राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सरमथुरा, सैपऊ, तमनिया, मांगरौल, करीमपुर, महुआ खेड़ा, गुलावली में टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। डेयरी संचालक, मिष्ठान विक्रेता एवं घी विक्रेताओं के नमूने लिए जा रहे हैं।
सभी नमूनों को एकत्रित कर जयपुर लैब जांच के लिए भेजा जाएगा। नमूनों के अंदर मिलावट पाए जाने पर आरोपी विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सैंपो उपखंड मुख्यालय के भरतपुर मार्ग, धौलपुर मार्ग एवं मुख्य बाजार में की गई कार्रवाई से मिष्ठान विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। टीम ने मिष्ठान विक्रेताओं एवं डेयरी संचालकों से नमूने लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया मिलावटखोरों के खिलाफ दीपावली तक अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। राज्य सरकार के दिवाली अभियान के आदेश के अनुसार 3 तारीख से धौलपुर जिले में भी दिवाली पर जो मिठाइयां बनती हैं विशेष रूप से उनकी मिलावट की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया है। और मैं पिछले 8 दिन से मैं यहां पे अभी ज्वाइन किया है तो लगातार नमूनीकरण किया जा रहा है और पूरे जिले में नज़र बनाई जा रही है। कल भी बाड़ी में सैंपल लिया था, मनिया में भी लिए हैं, धौलपुर शहर में भी लिए हैं, राजाखेड़ा तहसील में भी नमूने लिए हैं। आज यहाँ आपके सैंपो में भी हम नमूनीकरण कर रहे हैं तो पूरे क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं। CMHO साहब के निर्देशन में काम कर रहे हैं और ये कार्रवाई दिवाली तक जारी रहेगी। शुभ नाम सर आपका? विश्व बंधु गुप्ता। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसई सामंता के विशेष समुदाय के लोगों ने नहर के कुलावे को रोके जाने को लेकर गांव के ही दबंग लोगों के खिलाफ कलेक्टर के समक्ष शिकायत पेश की है। कलेक्टर के समक्ष दिए गए एक शिकायत पत्र में पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ नहर के कुलावे को मुक्त कराने की मांग की है। कलेक्टर को दिए गए शिकायत पत्र के माध्यम से पीड़ित हरभजन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के अंदर उनकी करीब 406 बीघा जमीन खेती की है, जिस जमीन से करीब 25 परिवार विशेष समुदाय के लोग गुजर बसर करते हैं। पीड़ित ने बताया कि उर्मिला सागर बांध से जो नहर आती है उसका पानी उनके खेतों तक पहुंचता है, लेकिन गांव के करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने नहर से खेतों के लिए मिलने वाले पानी को कुलावे पर कब्जा कर बंद कर दिया है, जिससे करीब 25 विशेष समुदाय परिवार के लोगों की 406 बीघा जमीन पर सिंचाई का संकट गहरा गया है। पीड़ितों ने बताया गांव के दबंग लोग उनके साथ गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। 2 दर्जन से अधिक विशेष समुदाय के लोगों ने आज सोमवार को जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल को शिकायत पत्र पेश किया है। शिकायत के माध्यम से विशेष समुदाय के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ नहर कुलावा खोलने की मांग की है। नहर और कुलावा, जो कुलावा है जिसे हमारे 406 बीघा 7 बिस्वा जिसे जमीन पिलाई होती है, वो 90 साल से हमारा कुलावा हमारा झूल है वो, और उसका नंबर है 33। और बसई सामंता गांव का कुलावा है उसका नंबर है 34। उस बसई सामंता गांव का जो अलग है उसका रकबा है 280 बीघा टोटल कुल। अब इन्होंने 19 तारीख को आगे अपना तो कभी साफ किया नहीं, उसको आगे हमारी झूल पर कब्जा किया और उसको कुलावे पर कब्जा किया। जो हमारे नरुए में जो पटिया पुटिया अपने खेतों के लिए लगा रखी थी उन सबको तोड़ फोड़ कर दी और उन्होंने बहुत गाली गलौज बहुत उद्यम किया, ये का जान से मारने की धमकी और पट्टे फट्टे सब कुछ लेके गाँव डूब रहे थे। तो हम लोग तो गए नहीं, हमारे नौकर थे उनके, उन्होंने बहुत गाली गलौज करके रह दिया कि नरुआ की तरफ भाई का काट रहे जान से मार रहे। ये इसमें 19 तारीख बोल रहा है कुछ, जबकि हमारा 90 साल से ये कभी इनको उनका नलुआ ही नहीं है, पानी जाएगा ही कहाँ से? उनका तो नलुआ अलग है, उनका नलुआ 33 नंबर है, हमारा ये कुलावा ये उनका 34 नंबर है, हमारा 33 नंबर है। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम हरभजन सिंह बसई साहब। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के NH-11B पर बिस्नौदा गांव के पास चालक की लापरवाही से निजी बस बेकाबू होकर खेतों में पलट गई। दर्दनाक हादसे में करीब 50 सवारियां घायल हो गईं, जिनमें आधा दर्जन सवारियों की नाजुक हालत होने पर जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बाड़ी शहर के बस स्टैंड से करीब 60 सवारियां भरकर निजी बस धौलपुर के लिए रवाना हुई थी। घायल सवारियों ने बताया कि बस का चालक गाड़ी को ड्राइव करते समय किसी सवारी से बहस कर रहा था। बहस के दौरान चालक ने बस का संतुलन खो दिया और हाईवे से नीचे खेतों में पलट गई। बस के अंदर महिला, पुरुष और बच्चे सभी बैठे थे। बस के पलट जाने पर मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे को देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस के शीशे तोड़कर सभी फंसी हुई सवारियों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना सदर थाना पुलिस को दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा घायलों को जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया। दुर्घटना में करीब 50 सवारियां घायल हुई हैं, जिनमें महिला, पुरुष और बच्चे सभी शामिल हैं। जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में तैनात चिकित्सक मुनिंद्र गर्ग ने बताया कि करीब आधा दर्जन सवारियों की नाजुक हालत है। इसके अलावा कुछ सवारियों का उपचार निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। उधर सदर थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लेकर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। के लिए आ रहा था, अचानक किसी से बहस ड्राइवर को हो रही थी, अचानक उससे बस चली गई थी, टायर उतर गया। ये बस कैसे पलट गई? बहस करने लगा ड्राइवर किसी से, दौड़ने के लिए आ रहे थे। तो उसमें कितने लोग होंगे बस में? 60 लोग तो हैं उसमें। 60-70 लोग? हाँ। नाम क्या है? संत कुमार। नाम क्या है? संत कुमार। मथुरा। अस्पताल की इमरजेंसी में कुछ मरीज आए हैं जो बस का पलटना बता रहे हैं। बाड़ी रोड पे बिस्मता के पास घायलों का इलाज जारी है, कुछ गंभीर हालत में उनको जयपुर भेजा है, बाकियों का इलाज यहीं पे चल रहा है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव कासिमपुर में नल पर पानी भरने को लेकर दो पक्षों में इतना विवाद बढ़ा कि दोनों पक्ष लाठी डंडों और पत्थरों से लैस होकर आमने सामने हो गई। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक चले खूनी संघर्ष में एक पक्ष के एक दर्जन लोग घायल हो गए। वारदात की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया है। पीड़ित पक्ष ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर पेश कर दी है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के गांव कासिमपुर में दो पड़ोसी युवतियां सरकारी नल पर पानी भर रही थीं। दोनों युवतियों में पानी भरने के दौरान कहासुनी हो गई। दोनों युवतियों के परिजन भी इसमें शामिल हो गए और तूतू मैमे के साथ गाली गलौज शुरू हो गई। पानी भरने को लेकर विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडों और पत्थरों से लैस होकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक चले खूनी संघर्ष में एक पक्ष के करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस के देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया है। पुलिस ने जिला अस्पताल में सभी घायलों का मेडिकल करा दिया है। पीड़ित पक्ष ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने घायलों के बयान लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। नल के पानी उनका कनेक्शन अलग है, हमारे कनेक्शन में जबरदस्ती वो पानी भरने आते थे। इसी मना करने पर उन्होंने गाली गलौज जो पत्र आई सब घर में तोड़ फोड़ की है और हमारे 10-15 लोग घायल हुए हैं, बहुत बुरी जख्मी। आपका नाम क्या? कंप्लेंट करी है? कंप्लेंट की थी पुलिस की, 2-3 घंटे बाद पहुंची थी वहां पे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी उन्होंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश चंद है। पत्थरों से लाठी चार्ज किया है और घर में भी उन्होंने घुसुर के मार दिया और हमारे ताला भी तोड़ दिया, उसमें चोरी भी हुई और 3 सब चादर पत्थर सब फोड़ डाली उन्होंने। आज दिनांक 21-10-19 को सवा 8 बजे की बात है कि जरिए कंट्रोल सूचना मिली कि कासिमपुर गांव में झगड़ा हो गया। इस सूचना पर मैं ऐसा तरसी में जागते हुए गांव कासिमपुर पहुंचा, जहां पर दोनों पक्षों ने पानी के ऊपर विवाद हुआ। इस पर दोनों पक्षों को समझाइश की गई और झगड़े में घायल मजरूर उनको अस्पताल में रेफर किया गया। 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, उपचार जारी है और अभी तहरीर किसी ने दी नहीं है। तहरीर आते ही दोनों ओर से पथराव की, आज झगड़े में हल्का पथराव ही हुआ है। धौलपुर जिले में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर आज पुलिस की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन परिसर धौलपुर में शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के बाद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर व पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस के तमाम उच्च अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन परिसर में पुलिस उच्च अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को याद किया गया एवं परेड का आयोजन कर उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छवा द्वारा गार्ड की सलामी ली गई और सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को संबोधित एवं शहीदों के नामों का पठन किया गया।
शहीद दिवस के उपलक्ष्य में गत एक वर्ष में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के नामों का वाचन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिर इसके बाद शोक सत्र 48 पुलिस जवानों ने तीन तीन राउंड फायर किए और उसके बाद शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद पुलिस लाइन परिसर में ही स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां पुलिस अधिकारियों ने शहीदों की याद में पौधों का रोपण किया। इसके साथ ही आयोजित शिविर में 22 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने उत्साह से रक्तदान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा, थानाधिकारी थाना कोतवाली रमेश तंबर, थानाधिकारी थाना निहालगंज रोहित चावला, थानाधिकारी थाना सदर बाबूलाल, मानव तस्करी यूनिट प्रभारी रूप सिंह, महिला थानाधिकारी यशपाल सिंह, मोहन सिंह व अजब सिंह सहित पुलिसकर्मी और शहीदों के परिजन उपस्थित रहे। कांग्रेस सेवा दल की नव नियुक्त जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित का जिला हज कमेटी के अध्यक्ष सुलेमान फारूकी ने आज लकी रेस्टोरेंट पर अपने सहयोगियों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धौलपुर धर्मेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छवा के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना बसईडांग पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। बसईडांग थाना अधिकारी कैलाश गुर्जर ने बताया कि पुलिस को मुखबर द्वारा सूचना मिली कि बाड़ी कस्बे के गुमट मोहल्ला में वारंटी हीरा सिंह, जो कई माह से दिल्ली में रह रहा था, जो दीपावली के त्योहार के कारण गुमट बाड़ी आया हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थायी वारंटी हीरा सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति कुशवा निवासी गुमट बाड़ी को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में जन चेतना समिति बाड़ी की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाड़ी उपखंड अधिकारी ब्रिजेश मंगल ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यकारिणी सदस्यों ने तन मन से सामाजिक सेवा करने की शपथ ली। संस्था द्वारा विगत दो वर्षों में अपने स्थायी प्रकल्पों को गति प्रदान की, जैसे वृक्षारोपण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्न मंच प्रतियोगिता शिविर, होली मिलन समारोह, गंगा दशहरा, मीठा जल वितरण, 200 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन आदि कार्य किए गए। समिति अध्यक्ष अशोक बंसल ने बताया कि इस संस्था को आज 25 वर्ष 5 माह हो चुके हैं। आज तक कुल 4,225 मरीजों की आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाकर रोशनी प्रदान की है।